नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया एक बर्तन, इसमें मैं डाल दूंगी एक कटोरी मैदा। इसी समय इसमें मैं डाल दूंगी दो चम्मच ऑयल, ज्यादा ऑयल की जरूरत नहीं है, सिर्फ दो चम्मच, और आधा चम्मच अजवाइन। अजवाइन थोड़ा सा हथेली पर लेकर इस तरह से क्रश कर देंगे इसे, इससे इसका फ्लेवर अच्छा आता है। और टेस्ट के हिसाब से जितना टेस्ट क्या, जितनी हमारी मैदा है ना उसके हिसाब से नमक, और इन सब चीज को पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये बहुत झटपट बनने वाला नाश्ता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है, तो इसलिए इसे बस इस तरह से, ज़्यादा मोइन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दो चम्मच ऑयल काफ़ी है इसमें, और अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे, जिससे पूरे मैदा में अच्छे से इसकी वो हो जाए, ये देखिए इस तरह से। और जितना अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे ना, उससे क्या है, मोइन जो है पूरी मैदा में अच्छे से होगा और जो नाश्ता है वो क्रिस्पी बनेगा, तो इसलिए मैं इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ दोनों इस हाथ से, ये देखिए। अब ये देखिए इस तरह से हो गया, इसे मुट्ठी नहीं बन रही है पर इसमें थोड़ा मोइन हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे, जैसा हम रोटी के लिए बनाते हैं उसी तरह से, इसका हमें टाइट डो नहीं तैयार करना है। थोड़ा सा पानी और डालूंगी मैं, और अच्छे से इसे गूंथना है हमें, इसमें मतलब लगभग आधा कप पानी लगा होगा हमारा पूरे इसमें आटे में, और मैं इसे अच्छे से गूंथ लेती हूँ। अब ये देखिए हमारा जो मैदा है वो अच्छे से गूंथ गया है और ये इस तरह से सॉफ्ट हो गया। अब हम इसे एक साइड में रख देते हैं, जिससे कि हमारी मैदा अच्छे से ढल जाए और हमारा नाश्ता अच्छा बने, और आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब हम ले लेते हैं दो आलू, ये उबले हुए आलू हैं, और इन्हें हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं, और ये मोटे वाले साइड से करेंगे इस तरह से। वैसे तो आप इसे फोड़ के भी बना सकते हैं, पर उससे क्या है, थोड़ी बहुत जैसे आलू में गांठ सी रह जाती है ना, तो वो प्रॉपर नाश्ता बन नहीं पाता है, तो इस तरह से कर लेंगे तो प्रॉपर रहेगा। तो ये मैं दोनों आलू अच्छे से ग्रेट कर लेती हूँ। अब ये देखिए आलू दोनों ग्रेट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप उसकी जगह कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं जो मोटी होती है। आधा चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, आधा चम्मच के लगभग धनिया पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक, और बहुत जरा सी हींग, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। और इसमें और ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बस इतनी चीज़ें काफ़ी हैं, ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं है, और इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मैं। अब ये देखिए इस तरह से हमारी जो इसकी स्टफिंग या हम इस पे जो लेयर लगाएंगे वो तैयार है। अब हम आगे अपनी मैदा चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारी मैदा भी अच्छे से हो गई है। अब हम मैदा के दो पीस कर लेते हैं इस तरह से, और एक पीस मैं ले लेती हूँ, एक पीस एक साइड में रख देती हूँ, और इसे इस तरह से लोई बना के और अच्छे से बेल लेते हैं पतला, जितना पतला बेल सकते हैं ना उतना पतला बेल लें इसे। इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा इस तरह से बेलने में। ये देखिए इस तरह से हमारा ये पीस बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से हम दूसरा पीस भी बना लेते हैं इसका। अब ये इस तरह के मैंने दोनों पीस बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम इस पर लगा लेंगे सेजवान सॉस, या आप जो भी सॉस खाते हैं, या ग्रीन चटनी वो लगा सकते हैं, और इसे इक्वल लगा लेंगे चारों तरफ अच्छे से। अगर आपको जैसे सेजवान सॉस पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह केचप भी लगा सकते हैं, ये सॉस आप अपनी पसंद की यूज़ कर लें। वैसे सेजवान सॉस बहुत अच्छी लगती है इस पे। ये देखिए मैंने अच्छे से लगा लिया है इसे पूरे पे, और अब हम इस पे लगा लेंगे ये हमने जो आलू का ये स्टफिंग सी तैयार की थी, ये लगा लेते हैं अच्छे से, और चारों तरफ फैला लेंगे इसे
पूरे पे लगा लेती हूँ इसे। पूरे में अच्छे से लग गया है। अब हम ये दूसरा वाला पीस है ये भी इसके ऊपर रख देते हैं और इसे पूरा ढक देंगे चारों तरफ से और एक बेलन की मदद से इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे, जिससे कहीं स्टफिंग अगर हमारी रह गई है तो वो भी अच्छे से हो जाए इस पर और ये चिपक भी जाए दूसरा वाला पीस भी। मैं अच्छे से इसे कर देती हूँ और अब हम क्या करेंगे, इसके किनारे इस तरह से कट कर लेंगे, हल्के हाथ से कट कर लेंगे और ये एक साइड में रख देते हैं और दूसरी साइड से भी एक्स्ट्रा हटा देते हैं। और इधर से इसे घुमा के ये भी कट कर देती हूँ। अब हम इसमें आधा आधा इंच के टुकड़े कट कर लेते हैं ये इस तरह से और एक पीस लेंगे और इसे इस तरह से ना घुमाते हुए इसे जोड़ देते हैं और ऐसे सर्कल सा बना लेते हैं और इसी तरह से बना के सब तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने बना के तैयार कर लिए रिंग। और अब मैंने फ्राई पैन में ऑयल गर्म होने रख दिया था और अब हम इसमें एक एक करके डाल देते हैं और इन्हें अच्छे से पलट पलट के गोल्डन ब्राउन करना है। और कितने आराम से ये पड़ जाए उतने ही डालना है, इसमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से हमें क्योंकि ज़्यादा ऑयल इसमें इतनी छोटा पतला सा है ना तो आराम से। और हम अभी थोड़ी देर इसी तरह से छोड़ देते हैं और एक मिनट के बाद हम इन्हें पलटेंगे। और इसकी फ्लेम मैंने अभी मीडियम रखी है, मीडियम आंच पे ही हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन करना है, उससे हमारा ये नाश्ता क्रिस्पी बहुत बन के तैयार होगा। देखिए अभी तो मैंने सिर्फ ये फ्राई होने डाले हैं, देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं तो आपको अंदाज़ा लग रहा होगा ये खाने में कितने क्रिस्पी होंगे। तो अभी मैं एक मिनट हो गया, इन्हें हल्के हाथ से पलट देती हूँ इस तरह से। अब ये देखिए दोनों साइड से कितने अच्छे से फ्राई हो गए, मैं पास से दिखाती हूँ आपको। और अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और निकाल के सर्व कर लेते हैं। हमारा आलू और मैदा से बनने वाला एक टेस्टी और यूनिक नाश्ता बनके तैयार है और इसके जितने भी इंग्रेडिएंट हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और अगर आपको ये नाश्ता ज़रा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।